बाप क्या उठ रहा है ये देख लो सुन। मोमोज डंपलिंग प्रेस है इसे ना, मोमोज की शेप काफी ज्यादा अच्छी आती है। Hey guys, this is Shahid Mansoor. Welcome back to my new vlog. I am hopeful that everyone among you will be safe and sound in your homes. आज के व्लॉग की शुरुआत ना ढाई बजे मैं कर रहा हूँ। बेसिकली आज ना कुकिंग वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है। आज ना मैं मोमोज बनाऊंगा, वो भी घर में। सो अगर आप में से कोई चैनल पे नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकॉन भी दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना मोमोज बनाने के लिए, पहले मार्केट तक चलता है, वहां से वो इंग्रेडिएंट्स लाता है, फिर जाके मिलता हूँ फिर से। ये रहे वो इंग्रेडिएंट्स जो कि मैंने मार्केट से लाए। ये ना चिकन है, इसमें हम बेसिकली चिकन मोमोज बनाने जा रहे हैं आज। और ये है कुछ केचप्स वगैरह। और आप सोच रहे होंगे कि बॉक्स में से ये क्या लाया है। इन्हें एक्चुअली मैंने पहले ही ऑर्डर करके रखा था तो उसको बहुत टाइम हो गया। ना इसमें मोमोज डंपलिंग प्रेस है, इससे ना मोमोज की शेप काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है। अगर आप चाहो तो आप हाथ से भी शेप दे सकते हो, लेकिन हाथ से ना शेप इतनी अच्छी नहीं आती है, तो इसलिए मैंने डंपलिंग प्रेस मंगाया था। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कैसे शेप वगैरह बनती है। जब हम पेड़े काटते हैं ना छोटे छोटे, उसको यहाँ पे रखना पड़ता है, फिर जाके इससे प्रेस करना पड़ता है तो एक्सपेंड हो जाता है, फिर जाके राउंड शेप बन जाती है उसमें। यहाँ पे फिर उस राउंड शेप को उठाना पड़ता है, फिलिंग करके यहाँ पे डालना पड़ता है, यहाँ से फिर इस तरीके से प्रेस करना पड़ता है और जो आपका मोमो है ना वो रेडी हो जाएगा। फिर जाके उसके बाद स्टीम करना पड़ेगा उसको। सो ये थे कुछ इन्ग्रीडियंट जो मोमोज बनाने के काम आएंगे मुझे। जो आगे का प्रोसेस होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और हाँ, अगर आप भी ये प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहोगे तो आपको इजीली अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे मिलेगा 300-500 के रेंज में, आप वहाँ से खरीद सकते हो। जो मैंने चिकन पीस यहाँ पे दो लिए, मैंने कुछ ही पीसेस लिए क्योंकि मुझे ना ज़्यादा नहीं बनाना है। अगर आपको ज़्यादा बनाने होंगे तो आप ज़्यादा चिकन ले सकते हैं। चिकन को मैंने इसमें डाला है उबाल लाने के लिए हल्दी पानी में, आप देख पा रहे होंगे। उसमें इसलिए इसको उबाल आता है, फिर जाके जो प्रोसेस होगा तो आपको मैं बता दूँगा। सो गैस अभी जाके ना इसको पानी जुटाना वो ड्रेन कर लेंगे, तो इसको हम पहले चिकन को अलग निकालेंगे। अभी जाके ना कुछ काम ऐसा है, पहले हमें चिकन में से ना बोन्स रिमूव करना है, फिर जाके जो बोनलेस चिकन बचेगा ना उसको हम कीमा बनाएंगे, इस वाली न्यामी में। और जो भी मसाले वगैरह होंगे तो वो यही पे ऐड करना है, तो पहले ये काम करते हैं। ये देख लो यहाँ पे ना मैंने सभी मसाले जो थे ना वो इसमें मिला लिए। अब जाके इसको कीमा बनाते हैं, फिर जाके ना ये जो फिलिंग है रेडी करते हैं। देख लो गाइस, फिलिंग जो है ना एकदम रेडी है। अब जाके हम पेड़े बनाएंगे, फिर जाके फिलिंग उनमें भर लेंगे तो मोमोज फिर रेडी हो जाएंगे। फिर ना एक्चुअली मैं ना स्टीम्ड मोमोज बनाऊँगा क्योंकि मुझे फ्राइड अच्छे नहीं लगते हैं, आई लाइक स्टीम्ड मोमोज। तो अभी जाके ना अम्मी जो है ना यहाँ पे पेड़े बना रही है, फिर जाके जो भी काम होगा मैं खुद करूँगा, मुझे पेड़े बनाने नहीं आते। यहाँ पे देख लो आप पेड़े बना रही है, और यहाँ पे मैंने इसको लाया जो फिलिंग है, तो ये रहा डैम्पिंग ब्रश। चलो आपको मैं भी दिखाऊँगा कि कैसे इसमें मोमोज बनते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी जाकर मैं आपको बताऊँगा कि इस डैम्पिंग प्रेस में कैसे मोमोज बनते हैं। पहले मैंने पेड़ा उठाया, इसको यहाँ पर रखना है, जाके ऐसे प्रेस करना है इसको, अच्छा खासा फोर्स लगा के प्रेस करना है ताकि अच्छे से एक्सपेंड हो जाए। ये देखो बन गई छोटी छोटी सी रोटी, अब यहाँ पे डालना है ऐसे, यहाँ फिलिंग लेते हैं, फिलिंग रही है, इसको डाल दे इस पर, और अब जाके ना ऐसे प्रेस करना है, अच्छे से प्रेस करना है ताकि अच्छी शेप बन जाए। ये देख लो आउटकम खुद ही, ये देखो गाइस कितनी जबरदस्त शेप बनी है। ये देखो यहाँ से भी देख लो, यहाँ पे देख लो मैंने कुछ बनाया है ऑलरेडी, अभी इतने बनाने बाकी है। पहले मैं ये बनाता हूँ फिर मिलता हूँ फिर से आपको। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक कर लो,
मोमोज ना मैंने बिल्कुल रेडी रखे हैं, अभी जाकर ना उनको स्टीम पे लगा देते हैं। एक्चुअली ना मेरे घर में स्टीमर अवेलेबल नहीं है, तो हमारे घर में दो राइस कुकर्स है, एक के साथ ना स्टीमर अभी आता है, तो वो भी हमारे घर में है, मैं अब उसी राइस में इनको स्टीम करूँगा। पहले राइस निकालता है फिर जाके मिलता हूँ। सो यूट्यूब फैमिली, इसमें ना हम बनाने जा रहे हैं मोमोज को, इसमें हम स्टीम करेंगे और अम्मी बोल रही है कुछ फ्राई करना है क्योंकि उसको ना फ्राइड मोमोज अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए फ्राइड बनाते हैं पाँच छः, बाकी हम स्टीम करते हैं। पहले ना यहाँ से इंडक्शन बाहर निकालते हैं, अब यहाँ पे लगाएंगे, मिलता हूँ। मोमोज को मैंने यहाँ पर स्टीमर में रख दिया, तो अब ना वेट करते हैं 10-15 मिनट, जब तक ये अच्छे से स्टीम हो जाएंगे फिर जाके इनको निकालेंगे और फिर ये वाले फ्राई कर लेंगे और इनमें से और कुछ उठाएंगे और उनको भी स्टीम करेंगे। मोमोज तैयार है गाइस, चलो देखते हैं बाप क्या उठ रहा है। ये देख लो गाइस, मोमोज ना एकदम रेडी है, ये देख लो। तो इनको मैं पहले निकालता हूँ इसमें से ना मैं निकालता हूँ पहले, फिर जाके मिलता हूँ आपको फिर से। अभी जाके ना मोमोज बिल्कुल रेडी है, तो यहाँ पे मैंने केचप भी लाया, तो अभी जाके फैमिली मेम्बर्स को खिलाते हैं और उनसे टेस्ट के बारे में रिव्यू लेते हैं। सोया ये रहे मोमोज प्लेट, ये रहा टोमेटो केचप और ये रहा मेरा दादू। चलो अब ये पहले टेस्ट करेगा, ये बताएगा हमें टेस्ट के बारे में। कैसा टेस्ट है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, खिलास है। ओके, आपने अभी देखा दादू से मैंने रिव्यू लिया, उसने बताया कि टेस्ट वाकई अच्छा है। अब मैं खुद टेस्ट करूंगा इनको, तो मैं ना यूजुअली ये स्टीम्ड मोमोज प्रेफर करता हूँ, मुझे ये अच्छे लगते हैं इन कंपेरिजन विद फ्राइड मोमोज, मुझे यही अच्छे लगता है। तो पहले मैं मोमो एक उठाता हूँ और ट्राई करता हूँ कि कैसे बने हुए, मैं आपके साथ बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू शेयर करूंगा टेस्ट के बारे में। ये आप चेक कर लो कि फीलिंग क्या है अंदर से, जबरदस्त। बिल्कुल ना वैसा ही टेस्ट है जैसे रेस्टोरेंट में मोमोज मिलता है ना, ऑनेस्टली बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है, वाकई जबरदस्त बने हुआ है। सो गाइस, इस व्लॉग को ना यही पे एंड करने का टाइम आ गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करना भूलिएगा मत, साथ ही अगर कोई चैनल पर नया जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकॉन भी दबाना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही अगर इस व्लॉग को कोई फेसबुक पेज से भी देख रहा है तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो। आई विल सी यू इन अनदर व्लॉग, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप स्प्रेडिंग लव विद ईच अदर। बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।